आएगा मेरी ऑफिस में? पर क्यों? बा ने पात्रा बनाए हैं वही देने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ हैं। लीला भाभी को खामोखा ऑफिस का चक्कर। पर वो निकल गई। नहीं नहीं, जब तक हम घर से निकले थे तब तक वहीं थी, अब पता नहीं। लेकिन अगर तुझे ऑफिस जाने में लेट होने वाला है तो तू फोन करके उसे बता दे। हाँ हाँ, मैं उसे अभी फोन करके मना कर देता हूँ। तो मोटा भाई ये लीजिए ना, मेरे मोबाइल से कर लीजिए। नहीं नहीं सुबोध, मैं वहां से पीसीओ से कर लेता हूँ, मोबाइल से महंगा पड़ेगा ना। कुछ तो गड़बड़ है। आई आई आई। हेलो जय श्री कृष्णा। हेलो मीनाक्षी, मैं बोल रहा हूँ। मैं? ये कैसा नाम है? आप ठीक से चेक कर लीजिए, या तो आपका नाम मैना होगा या मेहुल, क्योंकि मैं किसी मैं नाम के आदमी को नहीं जानती। मीनाक्षी, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। भाई तू जल्दी लीला को फोन दे, वो तो निकल गई है आपके ऑफिस जाने के लिए। बा ने आपके मनपसंद पात्रा बनाया है ना, वो लेके। लीला निकल गई, कमाल है, आज उसे तैयार होने में वक्त नहीं लगा। लीला भाभी जब आएगी तब पूछ लूंगी उन्हें। मैं रखता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? तलपड़े। अरे अरविंद भाई, आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं आज के दिन ये मेरी कुर्सी, मतलब तुम्हारी कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? मैं जानता हूँ ये मेरी कुर्सी नहीं है, पर सिर्फ आज के दिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। ओके, थैंक यू। ये डिस्पैच में ले लो, ठीक है? अरे तड़पड़े, मिस्टर ठक्कर, आप यहाँ इस कुर्सी पर? देखिए बुरा मत मानिए पर सर, मैं जानता हूँ ये मेरी कुर्सी नहीं है, पर सर आज के दिन के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज के दिन मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ सर। बट व्हाई? जय श्री कृष्ण। चक्कर, आप यहाँ? जी वो पात्रा लेकर आई है, मेरी बा ने बनाए है ना। ओ, आपको कैसे पता? वो क्या हुआ कि मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था तो मुझे सुबोध और बापूजी मिल गए, उन्होंने बताया मुझे। ओ, सारी सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। फॉर व्हाट? आपने उन्हें प्रमोशन दिया ना, घर में सब बहुत खुश है सर। सुनिए, आप ये पात्रा जरूर खा लीजिएगा और सबको खिलाइएगा, बा ने बहुत सारे भेजे। हाँ। सर आप भी जरूर खाइएगा, हाँ स्पेशल है। अरे आपके घर का खाना तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और ये काठले तरकारी आज अपनी आंगुल चाटी है मैं, रामन बहुत सर। वो मीनाक्षी है मेरी देवरानी, बंगाली। लीला तुम जाओ ना, बा इंतजार कर रही होगी घर पे। अरे कहना जाओ। मिस ठक्कर, आप कॉफी पियेंगी, चाय? नहीं नहीं सर, ये हमारे खाने का वक्त है, लीला ने कुछ खाया भी नहीं होगा इस वक्त। तुम जाओ ना, मैंने कहा ना बा इंतजार कर रही होगी। लीला भगा रहे मुझे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनिए पात्रा जरूर खा लीजिएगा और सबको दे दीजिएगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। जय श्री कृष्ण। वेलकम, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग के अगले प्रतिबंधी है गट्टू भाई, प्रतिस्पर्धी। अरे हाँ, हम लोग के अगले प्रतिस्पर्धी है मेहुल ठक्कर। ऐसे ऐसे फुल पैंट। गुड इवनिंग बोल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ये गुड इवनिंग सर बोल। गुड इवनिंग सर। हाँ अच्छा मेहुल जी, अगर आप इस कॉन्टेस्ट में जीत जाते हैं और आपको 25,000 रुपए मिलते हैं तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? मैं अपने सारे भाई बहनों को और गट्टू काका को पिकनिक पे ले जाऊंगा और एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर डालूंगा। तालियां! अरे क्या तालियां? एक मिनट, अरे नालायक सारे पैसे खर्च कर देगा क्या? अरे ऐसे वाहियात जवाब देगा तो कॉन्टेस्ट कैसे जीतेगा तू? अरे इसमें गलत क्या है, इसके मन में जो था इसने सच सच बोल दिया, और सच बोलना ज्यादा अहम है। क्या अहम होता है?
अरे देव की तुमने वो मिस्टर यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नहीं देखी क्या? उसमें ऐसे सवालों के कितने इंटरेस्टिंग जवाब होते हैं कि मैं इन पैसों से गरीबों की सेवा करूंगा। पापा एक मिनट, अगर आपको ये प्राइज मिलता तो आप ये सब करते? नहीं करता लेकिन बोलता जरूर। लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। प्रवीण देखो अभी हमारा ना फिर से झगड़ा होने वाला है, और अगर तुमने कहा कि मैं मौसी हूँ और तुम बाप हो इसलिए तुम्हारा ज्यादा हक बनता है तो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ अरे लेकिन मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं अगर तुम कहो भी तो तुम मैं चुप रहे, मैंने ऐसा बोला क्या? अरे चलो 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 झगड़ा आगे बढ़ा। देवकी तेरी बारी है, चलना मस्त टाइम पास हो रहा है। अरे क्या टाइम पास, तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग झगड़ रहे हैं क्या? यार टाइम पास भी नहीं कर सकते इधर तो। तुम मुद्दे की बात करो ना। देवकी मौसी बताइए ना आप क्या कह रही थी? यही कि मैंने काफी इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है और नेशनल लेवल में मैंने काफी प्राइजेस जीते हैं। हाँ और देवकी का तो ये भी कहना था ना कि मिताली अगर तू कॉम्पिटिशन जीत जाएगी तो तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। और देवकी तुमने तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन जीती है तो तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन नहीं लगी? मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। और जब पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में मुझे ये सवाल पूछा गया था कि शादी के बारे में आपकी क्या राय है, तब मैंने कहा था कि शादी की प्रथा में मैं मानती नहीं हूँ, शादी मेरे लिए एक जंजाल है, फैमिली और बच्चों को मैं नहीं संभाल सकती। और आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया? हाँ, क्योंकि जो मैं मानती थी वो मैंने दिल से कहा और मेरी सच्चाई और मेरा आत्मविश्वास देखकर उन्हें मुझे फर्स्ट प्राइज देना ही पड़ा। अगर मुझे ये सवाल पूछा गया ना तो मैं यही जवाब दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं दोगी, समझी? देवकी तुम क्या बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो? देखो देखो बेटा, तुम ये बोलना कि मैं अपनी माँ की तरह शादी करूंगी और पूरा घर संभालूंगी। अरे लेकिन उसे तय करने दो ना कि उससे क्या बोलना है। देखो मिताली, मैंने जो जवाब दिया था 15 साल पहले दिया था, आज मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा जवाब वो नहीं होगा। तो आज क्या होगा आपका जवाब? एक मिनट देवकी, देवकी अभी मत बोलना, मिताली उधर जा, उधर जा तू, उधर जाके पूछ, देखी ऊपर आ जा जल्दी। एक मिनट ये ले माइक पकड़, मिताली पूछ अभी तू। तो मिस देवकी, शादी के बारे में आपकी क्या राय है? तू मत सुनना। अरे पापा प्लीज। अरे क्या कुछ भी बोलती है, मस्त जवाब देना देवकी, मस्त जवाब देना। मस्त का तो पता नहीं, हाँ लेकिन सच्चा जरूर है। मेरी और प्रवीणा दीदी की अक्सर रात को मेरी शादी को लेकर बहस होती थी, तब मैं कहती थी कि शादी करके क्या मिलता है, तुम खुश हो? तब वो इस परिवार के बारे में इतना बोलना शुरू करती थी कि सुबह तक वो बोलती ही रहती थी। तो मैं सोचती कि इतना कोई कैसे बोल सकता है, लेकिन इतने दिन इस परिवार में रहने के बाद अब मुझे लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत थोड़ा था। मिताली, तुमसे अगर कोई पूछे तो मेरी सलाह तो यही है कि तुम हर लड़की से कहो कि शादी करना बहुत जरूरी है, तुम्हें भी एक ऐसा ही घर मिले जहां तुम बहू नहीं बेटी बनकर रहो, अपनी खुद की एक पहचान बनाओ। किसी माँ बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून की क्या बात हो सकती है कि उनकी बेटी ससुराल से मायके आने का नाम ही ना लेती हो। तुम्हें भी एक ऐसा ही घर मिले यही दुआ करूंगी मैं मिताली। बढ़ गए हैं, आप तो रोज की तरह 6 बजे आ गए। अरे मैं फोन करूंगा ना। हाँ एक काम कर, तू 1-1.5 घंटे में ही आ जा। हाँ बाय बाय। मोटा भाई
मेरे दोस्त ने आपके ऑफिस में फोन किया था, लेकिन आप तो ऑफिस में थे ही नहीं। बेवकूफ हूँ जैसी बात कर रहा है तू सुबोध। जब तूने अपनी आंखों से मुझे पार्क में देखा तो मैं ऑफिस में कैसे रहूंगा? और मैंने तुझे बताया था ना कि एक अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग थी बॉस के साथ 3-स्टार होटल में, उसी के इंतजार में। लेकिन आपके बॉस तो ऑफिस में ही थे, मेरे दोस्त ने उनसे बात भी की। क्या बात की उसने? यही कि आप तो अरविंद भाई के साथ किसी 3-स्टार होटल में मीटिंग के लिए जाने वाले थे। तो बॉस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया इसलिए नहीं जा सकते। खामखा बॉस ने मुझे घंटों तक इंतजार करवाया और फिर ऑफिस में बुलवा लिया। सुनिए, ये क्या है? सारा पात्रा ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि सारा पात्रा खत्म कर देंगे, खुद खाएंगे और सबको खिलाएंगे। क्या है ये? बोलिए बोलिए। मैं तुम्हें जॉब देने के लिए बंधा नहीं हूँ, समझी? अरे लीला भाभी, मोटा भाई डेप्यूटी मैनेजर हो गए, कुछ दिनों बाद इनका अपना अलग केबिन होगा। अलग केबिन? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर मैं रोज दोपहर को टिफिन लेकर आऊंगी और अपने सामने बैठ के खिलाऊंगी। नहीं नहीं लीला, तुम हरगिज नहीं आओगी मेरे ऑफिस में। अरे जरा सोचो, लोग बढ़ा चढ़ाकर क्या क्या बातें करेंगे। ठीक है बाबा, नहीं आऊंगी, बस जिगर को भेज दूंगी। तुम अपने जिगर को टिफिन डिलीवरी बॉय बनाना चाहती हो? लीला कैसी माँ हो तुम, अपनी जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें। हमारे घर में एक बस बा है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, रात रात भर जाग जाग कर टिफिन बना बना कर सबको, और तुम हो कि जिगर को टिफिन डिलीवरी बॉय बन। मोटा भाई, अब मैं बोलूं? बोल तो रहा है तू, तुझे क्या अब मैं लाउड स्पीकर ला के दूं? मोटा भाई, मेरे दोस्त के इंश्योरेंस का काम अर्जेंट है तो उसे मैंने यहीं बुला लिया है। कब आ रहा है वो? 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। 1-1.5 घंटे में? ठीक है, एक काम कर, तब तक ये फ्रूट्स बच्चों को बांट दे तू। 1-2-3 स्टार्ट। जानी ची आगे ची मसाल हाथी आले मी औसे चबयान राती। ऐसे ऐसे करने का? ये सिखाने के नाम पे नौटंकी दिखाने आया है? ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग है? मैंने तुझसे कहा था ना कि मेहुल मिताली को कंपटीशन के लिए तैयार करने में पूरी फैमिली तेरी हेल्प करेगी, चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो। अच्छा चलो 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 ऊपर जल्दी चलो। हाँ ये पकड़ो, ये सर पे पकड़ो। ए एक मिनट राजा, बस बस बहुत हो गया, कितना सिखाएगा तू? हाँ देख, समझदार को इशारा काफी होता है, और अगर मिताली समझदार है तो प्रवीण भाई मैं भी समझदार हूँ, मुझको भी करो ना इशारा। गट्टू चुप रहे, शांति रख, समझा? और मिताली, राजा तुझे और नहीं बताएगा, चल तू मुझे चल के दिखा। हाँ, चल फटाफट। ए जानी जागी थी मशाल, स्माइल स्माइल मिताली, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे मिताली रुक, स्माइल मतलब ऐसा करने का? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है ना तू, स्माइल का मतलब मालूम नहीं है? स्माइल मतलब मुस्कुराने का। ऐसे ऐसे नहीं 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 नहीं, मुस्कुरा कर नहीं, देख मुझे ऐसे अभिमान के साथ, ऐसे मान के तेरे सिर पे जो खड़ा है उसमें पानी है, और वो पानी बहुत महंगा है। हैं? महंगा पानी है मतलब? उसने क्या नदी से मिनरल वाटर भरा है? ये सब मिलके क्या सिखा रहा है प्रवीण? मिताली, क्या किया है तूने? क्या किया? मटकी फोड़ दी ना, अभी मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा? अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं गट्टू भाई। लेकिन मुझे तो जरूरत है ना, मिताली का तो हो गया, अब मैं कैसे चलूं? तू सलमान खान की तरह चल। लेकिन एक मिनट राजा, वो मटकी तो फूट गई है ना, तो फिर सलमान खान पानी भरने कैसे जाएगा नदी में? गट्टू काका, सलमान खान पानी नहीं भरता। अच्छा जान दे फिर। एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग? राजा बाजूट बाजूट, मैं दिखाता हूँ। मैं तो आजा। अरे आप सलमान खान की तरह चल के दिखाइए, थोड़ा स्टाइल मार रहे हो और फिर ऐसे। ओ जाने जाना ऐसे अभिमान। कुंदन, आप कुंदन की तरह चल रहे थे कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर मेरे गांव में? नहीं, एड्रेस नहीं,
एड्रेस नहीं महालक्ष्मी भाभी। देवकी, इनके नाम महालक्ष्मी भाभी नहीं है, मीनाक्षी भाभी है। सॉरी सॉरी। ये देवकी ना बार बार भूल जाती है, कल मेरा नाम भी भूल गई थी। मेरा नाम गट्टू है ना, तो कल इसने मुझको दत्तू बोला था। ये कुंदन कौन है? अरे कलकत्ता का बहुत लोकप्रिय गुंडा है वो। हलवाइयों से रसगुल्ले की हफ्ता वसूली करता है वो। बिल्कुल प्रवीण भाई की तरह चलता है। इट मींस कि प्रवीण भाई ने भी रॉन्ग दिखाया। मेहुल, मैं तुझको सिखाता हूँ। अरे नहीं गट्टू, ये देख, यहाँ तो प्रैक्टिस होने से रही। इधर आओ, इधर आओ, फिर तुम खुद करो। अच्छा सर, तो राजा तू भी सिखा, चल तीनों सिखाते हैं। देखो मेहुल मिताली, तुम दोनों मेरे साथ पार्क में चलो, जॉगिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करवा लूंगी। तुम इतने आ रहे हैं? अरे अच्छा मौका है, निकल चलो यहाँ से। ना 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 ना। चलो चलो चलो। एक मिनट, देवकी तू इन लोग को लेकर पार्क में जा रही है ना? सब सुन लिया मैंने। जाओ जाओ, मुझको मालूम है तू उधर खेलने नहीं देने वाली है, हम लोग इधर खेलेंगे छुपा छुपी, है ना सौमिल? हाँ बहुत मजा आएगा। अरे चलो, कहाँ, पहले चेंज तो करने दो। चलो चल सलोनी, चलो पकाते। हाँ चल पकाते। मेजॉरिटी विन। हाँ सलोनी पैदा, सलोनी पैदा। चल 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 सलोनी, एक से सौ तक गिनना। हाँ चलो छुपो सब लोग। तेरे बोलिए, हम लोग है ना छुपा छुपी खेल रहे, आपको खेलने का है, लेकिन दाम आपको देना पड़ेगा। मेरे खेलने खाने के दिन गए गट्टू भाई। हाँ लेकिन लेकिन लीला भाभी, आप तो अभी भी खाती है, सुबह भी खाया था आपने, देखा था मैंने। आप खेलिए गट्टू भाई, मैं जल्दी से ये फर्श साफ कर देती हूँ, नहीं तो डिम्पल के पापा आकर हाँ करना शुरू कर देंगे। कपड़ा कहाँ है? हेलो, किसे फोन कर रहे हैं? मेरा एक पुराना क्लाइंट है उसे। बौखला तो ऐसे रहे जैसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं और मैं आ गई। तुम काम करो अपना लीला। कर रही हूँ। ये काम करो लीला, ये सब यहीं छोड़ दो, रहने दो, मेरे लिए चाय ले आओ। जाओ। हाँ तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओहो, ये तो चाय लेकर अभी आ जाएगी। सुनो लीला सुनो, अब चाय रहने दो, आज कॉफी पिलाओ मुझे। हाँ, डेप्यूटी मैनेजर बन गए तो जायका भी बदल गया है। सब पीते हैं अब तो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं तो कहती हूँ इतना बदलाव तो होना ही चाहिए। अभी लाइए। हेलो हेलो सर, मैं अरविंद ठक्कर बोल रहा हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सर? नहीं नहीं मिस्टर ठक्कर, बोलिए ना। थैंक यू वेरी मच सर, आज सुबोध के दोस्त ने आपको फोन किया तब आपने मामला संभाल लिया। लेकिन लेकिन कब तक संभालूंगा मिस्टर ठक्कर, और आप भी कब तक इस झूठ को संभालेंगे? सिर्फ कुछ दिन और संभालना पड़ेगा सर, सिर्फ कुछ दिन। क्या है, मेरी बेटी की शादी है तो वो शादी को लेकर घर में सब बहुत खुश हैं। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए या मुझे कहीं कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो उसके बाद मैं खुद ही सबको बता दूंगा घर में सर कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला है डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर, लेकिन मेरी नौकरी चली गई है। क्या है सर, मैं घर के एक्साइटमेंट को और शादी के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता सर। I understand, Mr. Tucker. सिर्फ कुछ दिन और मेरा साथ दीजिए सर, अगर जरूरत पड़ी तो। डोंट वरी मिस्टर ठक्कर, वैसे भी मैं आपकी तरह तो हूं नहीं जो हर छोटे झूठ या करप्शन पर बवाल खड़ा कर दे। आपका मकसद तो सबकी खुशी का है, अच्छे मकसद के लिए आपके झूठ में मैं भागीदार जरूर बनूं। सुनिए कॉफी तैयार है। हाँ बस आया।
को मालूम नहीं है कि मोटा भाई की नौकरी चली गई है और वो द्रौपदी मैनेजर नहीं बने? सिर्फ मुझको ही मालूम है यार, क्या करने का अभी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।